नमस्कार, रसोई मेरी तुम्हारी में आपका स्वागत है। मैं सुषमा त्यागी आज बनाने जा रही हूँ फालूदा विथ फालूदा सेव। फालूदा हमारे यहाँ का एक बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड है जो गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा बिकता है और खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है, लेकिन बाहर का बना हुआ फालूदा बहुत ही अनहाइजेनिक होता है। हम आज अपने घर पर बनाएंगे बिल्कुल हाइजेनिक तरीके से, तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको मिले मेरी रेसिपी सबसे पहले। थैंक यू। फालूदा सेव बनाने के लिए हम एक कप कॉर्न स्टार्च या अरारोट लेंगे। जिस कप से हमने अरारोट या कॉर्न स्टार्च लिया है उसी कप से हम 2.5 कप पानी लेंगे और इसका एक बैटर बना लेंगे। पहले थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे ताकि इसमें गाँठें ना पड़े, और इसमें 2 बड़े चम्मच हम पिसी हुई चीनी डाल देंगे और फिर बैटर बना लेंगे। ये देखिए हमारा बैटर बन चुका है। अब हम एक कढ़ाई रखेंगे और उसमें जो हमने अपना बैटर बनाया है इसे ट्रांसफ़र कर देंगे और गैस कम ही रखेंगे, हीट बिल्कुल कम, और उसे चलाएंगे। धीरे धीरे चलाते रहेंगे ताकि इसमें गाँठें ना पड़े, छोड़ना नहीं है हमें बिल्कुल भी। और ये देखिए हमारा कितना गाढ़ा हो गया है ये, लेकिन अभी हमें इसे और भी गाढ़ा करना है। हम इसे चलाते रहेंगे इसी तरह से। और ये देखिए जैसा बैटर हमें चाहिए वैसा है, बनकर तैयार हो गया है। ये बिल्कुल वैसलिन जैसा दिख रहा है और इसे हम गरम गरम बनाएंगे। ठंडा हो जाएगा तो ये नहीं बनेगा। इस ये मेरे पास सेव बनाने की एक मशीन है, मैं इसमें बारीक वाली जाली लगा लूँगी और इसमें ये बैटर डाल लूँगी। और इसे बंद कर लेंगे। इस तरह से और एक हम बाउल में ठंडा पानी लेंगे बिल्कुल चिल्ड। अगर आपका पानी ठंडा ना हो तो उसमें कुछ बर्फ़ की क्यूबी डाल लें आप और फिर ये बनाना शुरू करें। अगर आपका पानी चिल्ड नहीं होगा तो ये घुल जाएंगी। अब हमें कलरफुल बनाना है तो हम एक बाउल में थोड़ा सा बैटर लेंगे और उसमें ग्रीन कलर मिला लेंगे। जैसा कलर आपको चाहिए वैसा ही फूड कलर आप उसमें मिला लीजिएगा और फिर इसकी भी सेव बना लेते हैं। बस हमें ध्यान रखना है पानी हमारा बिल्कुल चिल्ड चाहिए, एकदम ठंडा। और ये देखिए हमारी ये सेव बन गई है। इन्हें हम कुछ देर के लिए फ्रिज में रख देते हैं तो ये अच्छे से सेट हो जाएंगी। अब ये हमारा बैटर जो है ये ठंडा हो गया है तो हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेंगे और इसे फिर से गर्म कर लेंगे, क्योंकि हमें गर्म करना है। गर्म की ही बनेंगी हमारी सेव, वरना बनेंगी नहीं। और इसमें हम 1 पिंच रेड कलर मिला लेते हैं, ये हमें रेड कलर की बनानी है। और ये देखिए हमारा बैटर तैयार हो गया है, इसे भी हम फिल कर लेंगे अपनी मशीन में। और एक बाउल में ठंडा पानी लेंगे और इसमें भी हम अपनी ये वाली रेड कलर की फालूदा सेव बना लेंगे। और ये वाली फालूदा सेव भी हमारी बन गई है। इन्हें हम फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए। और अब बनाएंगे रबड़ी। रबड़ी के लिए मैंने 1 कप मिल्क पाउडर लिया है और 3 कप दूध, और मैं गर्म होने के लिए रख देती हूँ। मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया और हम चलाते रहेंगे ताकि इसमें गाँठें ना पड़ें। अब मैंने थोड़ा सा 2 चम्मच 1 कप में दूध डाल लूँगी और इसमें कुछ केसर के धागे भिगो दिए हैं जो मुझे रबड़ी में डालने हैं। 4 बड़े चम्मच में चीनी डाल दूंगी पिसी हुई रबड़ी में, और 1 पिंच इलायची पाउडर खुशबू के लिए। और मैं इसे गाढ़ा होने के लिए रख देती हूँ, चलाती रहूँगी ताकि गाँठें ना पड़े, इसमें नीचे ना लगे। देखिए मेरा केसर हो गया है, मैं इसे दूध में डाल देती हूँ और अभी पकने देती हूँ। ये देखिए हमारी रबड़ी बन के तैयार हो गई है। हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा इसे नहीं करना है, बस आधा हो जाए दूध इतना गाढ़ा हमें करना है। सब चीज़ें हमारी बन गई हैं, अब हम सर्व करेंगे। मैं मैंगो फालूदा बना रही हूँ तो पहले मैंने आम को काट करके मिक्स में पीस लिया था और 2 चम्मच ग्लास में डाल दिया है। कुछ रबड़ी डाल देंगे जो हमने तैयार की थी, और अब हम अपनी सेव डाल देंगे, फालूदा सेव जो हमने बनाई थी। इन्हें हम ऐसे ही डालते रहेंगे, चलाएंगे नहीं। और सब चीज़ें हमारी मीठी हैं, चीनी डाली हुई है, तो इसलिए हमें अलग से मीठा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप चाहें तो यहाँ 2 चम्मच सब्जा के बीजों को 15 मिनट पहले भिगो दें और फिर डाल लें। अब हम आइसक्रीम डाल देंगे अगर आप चाहें तो, वरना नहीं भी डालें। इससे टेस्ट अच्छा आता है। और थोड़ी सी रबड़ी और डाल देंगे इसके ऊपर। अब मैंगो फालूदा है तो हम इसे मैंगो से गार्निश करेंगे। ये कटे हुए रख लिए थे मैंने थोड़ी सी मैंगो, और कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, नारियल का बरूदा डाल देंगे और थोड़ी सी टूटी फूटी। ये देखिए हमारा मैंगो फालूदा बिल्कुल स्ट्रीट साइड बन करके तैयार हो गया है और ये बहुत ही स्वादिष्ट बना है। चलिए एक और बना लेते हैं। आपके
स्ट्रॉबेरी बनाऊंगी, स्ट्रॉबेरी फालूदा। तो इसके लिए मैंने स्ट्रॉबेरी क्रश है मेरे पास, इससे मैंने गिलास को थोड़ा सा गार्निश कर लिया है। आप रूपचा से भी कर सकते हैं स्ट्रॉबेरी की जगह। और 2 चम्मच मैं स्ट्रॉबेरी क्रश इसमें डाल दूंगी गिलास में पहले, फिर रबड़ी डालेंगे। और फिर अपने फालूदा से जो पिंक वाले मैंने बनाए थे रेड कलर के, वो मैं डाल देती हूँ। अब जिस कलर के चाहे बना सकते हैं। और थोड़ी सी रबड़ी में फिर से डाल देती हूँ। ये खाने बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं और ये बहुत अच्छे टेस्टी और बिल्कुल हाइजीनिक तरीके से बने हैं, तो ये स्वास्थ्यवर्धक भी हैं। हम सब चीज़ें हमने अपने आप ही बनाई हैं। और ये मैं आइसक्रीम डाल देती हूँ और इसे भी हम गार्निश कर देंगे, टूटी फूटी डाल देंगे, ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे और रबड़ी डाल देंगे ऊपर से थोड़ी सी, थोड़ा सा नारियल का बारूदा और स्ट्रॉबेरी क्रश से इसे मैं ऊपर से गार्निश कर दूंगी। आपके पास अगर रूपचा हो तो आप रूपचा से भी कर सकते हैं। तो ये देखिए दोनों ही तरह के हमारे मैं फालूदा बन करके तैयार हो गया, जो बहुत ही स्वादिष्ट हैं और बिल्कुल हाइजीनिक तरीके से हमने बनाए हैं इन्हें। प्लीज़ अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखने के लिए थैंक यू।